कल से हम लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कुछ यूथ को अगर आप मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ऑल द मीडिया प्रेस एवरीवन। कल भी आप लोग आए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा मैसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ को पहुंचाना, कि प्लीज़ टोबैको से दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, किसी को भी हो जाती है, और टोबैको करने से तो हो ही जाती है। सो प्लीज़ अपने फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि वो दे रियली लव यू, एंड अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें। एंड आई थिंक स्मोकिंग इज़ नॉट कूल, नॉट स्मोकिंग इज कूल। आपके बारे में लोगों को जो नहीं पता है कि जिसके टीथ गंदे होते हैं, आप मुझे बात नहीं करती, आपको बताना चाहेंगे? या जिनके टीथ ख़राब होते हैं और उसमें काले काले लगे रहते हैं पान भरा गुटखा और ये सब खाने से और टोबैको खाने से, उनसे मैं बात नहीं करती हूँ। नो टॉकिंग। ऑलराइट गाइस, थैंक यू। फंक्शन के बाद देखो कैमरा पर सेंटर में। ओके, नो टोबैको डे के मौके पर हम सभी प्रेजेंट हैं, कल से ही आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? एंड आप लाइव आप गाना भी गाने वाले हैं, पहले क्या मैसेज देंगे आप? मैं खुद बहुत एंटी सिगरेट भी हूँ, एंटी टबैको भी हूँ, इसलिए मैं सपोर्ट करती हूँ। बिकॉज अगर मैं खुद स्मोक करती होती और सपोर्ट करती नो टबैको यूसेज, तो बहुत वो थोड़ा हिपोक्रिटिकल हो जाता। मैंने पहली सिगरेट लाइट करी थी 11 एंड हाफ ईयर्स की उम्र में। इतना आसान है सिगरेट खरीदना, एंड मुझे बहुत खांसी हुई थी, और क्योंकि मुझे आई वॉन्ट बी अ सिंगर, बिग सिंगर, समहाउ आई नेवर टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। आई एक्चुअली ब्रोक अप विद अ गाय, नाउ आई एम मैरिड, बिकॉज ही यूज्ड टू स्मोक। सो आई फील स्मोकिंग बहुत अनकूल है, और आप ये ना समझे कि ये कूल हैबिट है। और अगर आपको एडिक्शन है, सो गो एंड गेट हेल्प। देर आर सो मेनी एसोसिएशंस लाइक CPAA एंड अदर पीपल हु कैन हेल्प यू। सो डेफिनेटली टोबैको यूसेज और सिगरेट यूसेज ना करें, उससे सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड आई थिंक दैट इट हार्म्स यू, योर फैमिली, एंड इट मेक्स यू लुक ओल्ड। परफॉर्म भी करें आज की शाम आपको कौन कौन से गाने का परफॉर्म करने वाले? मैं आज अपने दो फेवरेट जो मेरे खुद के गाने हैं, दिलियां गल्ला और जग घूमिया, परफॉर्म करूँगा। अब अंदर आएंगे सुनने के लिए? हाँ जी, हम आएंगे, कैमरा लेके आएंगे। ओके। यहाँ बॉलीवुड में कोई ऐसे सेलिब्रिटीज आप चाहते हो सीक्रेट छोड़ दे? आई थिंक शाहरुख खान ना, बिकॉज वी ऑल लव हिम, एंड वो मैंने सुना है कि बहुत सिगरेट पीते हैं, सो आई मीन ही लुक्स ग्रेट, बट आई होप हिम एंड एवरीबडी हु स्मोक्स इन द इंडस्ट्री स्टॉप स्मोकिंग, बी ग्रेट। थैंक यू। कौन चलो रोल विवेक जी, हर साल आप ये जो जुमा आपने उठाया है, हम देख रहे कल से ही आप लोगों को मैसेज आए जी, आज लाइव कॉन्सर्ट है जी, फरहान अख्तर, नेहा बच्चन, नीतू चंद्रा भी आए जी, जी क्या मैसेज देंगे फाइनली आपको कि आज नो टोबैको डे भी है? हाँ जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। पिछले ऑलमोस्ट एक डेढ़ डेकेड से मैं हिंदुस्तान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एंटी टोबैको एम्बेसडर रहा हूँ। CPAA यानी कि कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, ये
मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा परिवार है, और हमने पिछले 15-16 साल में ये मुहिम चलाई है कि खासकर यूथ में एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई टबैको का क्या नुकसान हो सकता है, ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी पर हमारे हमसे प्यार करने वालों की लाइफ में भी क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है हेल्थ के लिए, एक एनवायरनमेंट के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए कितनी नेगेटिव चीज़ें इससे हो सकती हैं, जैसे पैसिव स्मोकिंग है। हमने लोगों को अवेयर जब किया फादर्स को कि SIDS विच इज़ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि एक छोटा बेबी, एक छोटा बच्चा स्मोक इन्हेलेशन से कैसे मर सकता है, तो तब लोगों में बहुत अवेयरनेस आई और उन्होंने यू नो सिगरेट स्मोकिंग, टबैको का सेवन करना उसे छोड़ दिया है। आज का जो कॉन्सर्ट है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई ब्रदर फरहान अख्तर। आई ऑलवेज से इज गॉट अ गोल्डन हार्ट, हमेशा कोई अच्छे कॉज के लिए वो ट्रू रॉक स्टार बन के आ जाते हैं, और आज भी ऑन स्टेज ही इज गोना रॉक ऑन। हमारे 2000 के करीबन वॉलंटियर्स हैं जो साल भर काम करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, तो आज उनका मौका है सेलिब्रेट करने का, और मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ थैंक यू बोलने के लिए टू पीपल लाइक फरहान अख्तर, टू नेहा बसीन, टू दिव्या कुमार, सो मैनी पीपल, हमारे स्पॉन्सर्स जो हमें ये सब प्रोग्राम्स चलाने के लिए स्पॉन्सरशिप्स भी देते हैं, फंड रेजिंग में मदद भी करते हैं, और हमारे वॉलंटियर्स को इंस्पायर करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू करने आया हूँ। जी जी, 16 साल हो चुके हैं और हमने देखा कि लास्ट 5 ईयर्स में बहुत कम हो चुके हैं जी जी जी, उसके वजह से जो डेथ हो रही है, बट टोबैको उसकी वजह से अब डेथ बहुत बढ़ गई है जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, बट नो स्मोकिंग बहुत कम हो चुकी है। अभी जो हमने पिछले 10-15 साल फोकस किया, वो फोकस किया अर्बन यूथ पे, कॉलेज जाने वाले बच्चों पर स्मोकिंग ना करें। फिर हमने इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया, जैसे हमने पूरे मुंबई के पुलिस स्टेशंस को 2 साल पहले टबैको फ्री कर दिया, जिसमें स्मोकिंग, च्यूइंग टबैको सब बंद करवाया, और उसके लिए काउंसलिंग से लेके चेकअप से लेके ट्रीटमेंट से लेके हमारे पुलिस के भाइयों को, हमने उनकी फैमिलीज़ को तक इसमें इन्वॉल्व किया कि अपने उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनका बेटा, उन्हें प्रेरणा दें कि ये बुरी आदत छोड़ दो, वी लव यू एंड हम जानते हैं कि आप इतना स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप छोड़ दें, तो उससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया। ऐसे ही हम इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं, जैसे BEST है, तो BEST को हमने पूरे BEST को टबैको फ्री की, तो उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, फ्री कैंप्स चलाना, जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन हमारे बॉलीवुड के, उनके लिए हमने सिमिलर इस तरह के कैंप्स किए, ये और साथ में अर्बन यूथ, ये बड़ा सक्सेसफुल रहा और हमें इसकी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट और रिजल्ट आई है। अब हमारा अगला फोकस जो है वो थोड़ा सा और अर्बन से रूरल तक पहुंचने का है, गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाना है, गांव-गांव तक, घर-घर तक हमको पहुंचाना है, क्योंकि काफ़ी जगह अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे अवेयरनेस हो जाती है तो लोग अपने आप बोलते हैं यार ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे ये पीड़ा हो सकती है, मेरी जान जा सकती है, मेरी आवाज़ जा सकती है, तो फिर लोग उससे भी दूर होना शुरू कर देते हैं। तो अपना अगला मिशन यही है कि पूरे हिंदुस्तान को उस टबैको छोड़ने की जप्पी में जकड़ लेना है। बातें हुई कि ढेरों सारे आर्टिस्ट, ढेरों सारे क्रिकेटर जो है इन सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जी, इंडस्ट्री में कई सारे आपके दोस्त हैं जिनको आप चाहेंगे कि स्पेशली ये सारी चीज़ें छोड़ दें, अगर आप किसी को, हाँ चाहेंगे तो ज़रूर, और जब मिलता हूँ तब मैं बोलता भी हूँ, लेकिन इतने साल के अनुभव ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि जब आपके दिल की आवाज़, आपके दिल से आवाज़ निकलती है तो आप किसी चीज़ को करते हो। जैसे अभी मैं गाड़ी में आते आते भोपाल शहर के कुछ ऐसे कूल लोग जिन्होंने तंबाकू छोड़ा, और क्या कैसे छोड़ा, कैसे उनकी कहानी थी, एक रेडियो स्टेशन के साथ में मैंने एक मुहिम चलाई कि आप अपनी सारी कहानियाँ असली हीरोगिरी की मुझसे शेयर करें, तो अभी मैं उनके साथ वीडियो चैट कर रहा था और सब विनर्स को, कॉन्टेस्ट विनर्स को कंग्रेचुलेट कर रहा था कि जिन लोगों ने इस कॉन्टेस्ट के दौरान कस्में खाई कि हम तंबाकू छोड़ देंगे और ड्रॉप किया, तो उसमें इतने सारे लोग थे जिन्होंने हमेशा ये कहा, मेरी बेटी ने कहा, मेरे बेटे ने कहा, मेरे बच्चों को देखकर, उनका मुंह देखकर मैंने छोड़ दिया है इसको। तो ये जो है ना, ये जो अपना एक जो प्रेरणा मिलती है, ये कभी कभी अपने दिल की आवाज़ होती है, अपने जब कहते हैं पापा छोड़ दो, वो देखकर, जैसे कल प्रिया दत्त जी कह रही थी कि सुनील दत्त जी ने उनका मुंह देखकर सिगरेट छोड़ दिया, 2 पैक पीते थे दिन का और उन्होंने छोड़ दी, तो ये जो बात है ये अपना डिसीजन रहता है। थैंक यू। नहीं यार, ये मैं शूटिंग कर रहा हूँ इस वक्त बालाजी ऑल्ट के शो के लिए कॉल्ड फैमिली, जो एक गैंगस्टर ड्रामा है, बट
ये आउटफिट नहीं है, ये तो मैं आज शाम के लिए पहन के आया हूँ, बट हेयर मेकअप वगैरह